श्रीमद् भागवत गीता हिंदी और सरल भाषा में 7वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीमद् भागवत गीता प्रस्तुत करता आध्यात्मिक कहानियां। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए सात शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरोध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे तीनों नर्क के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह पर गदी को प्राप्त होता है। उसके बाद कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को उनके उन कर्मों का फल नहीं मिलता है। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती है, इसलिए करने योग अथवा ना करने योग कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। उस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छा अनुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हो वह तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजादि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है यह जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या फिर तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतकरण के अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं ही वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वह प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। इसके लिए पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रक्त युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उष्टित है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अन्नदाता से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं।
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग में करने वाला प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एव परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप का कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों को भलीभांति अपवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वक तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ है और हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख कर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक आयोग देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नित्य यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठता में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी संत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी संत की इस प्रकार कही जाती है। और इस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक सत्रवा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए, जानने के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी से।